नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेट सरकारी जॉब अपडेट एंड डेली जॉब अपडेट एंड करेंट अफेयर्स में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके कंपटीशन की एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो चलिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, बिरहा और विदेशिया नामक गायन तरीका मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है? तो इसका ए ऑप्शन है बुंदेलखंड, बी ऑप्शन है बघेलखंड, सी ऑप्शन है मालवा, डी ऑप्शन है नीमर। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे बघेलखंड इसका सही आंसर बी ऑप्शन सही होने वाला है। ओके, बिरहा और विदेशिया मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र के प्रेम के लोकगीत हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे, दूसरा प्रश्न, बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो ए ऑप्शन है यहाँ पर पहला, बी ऑप्शन है दूसरा, सी ऑप्शन है तीसरा और डी ऑप्शन है यहाँ पर चौथा। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन तीसरा सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो इसका तीसरा स्थान है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बाघों की जो संख्या है इसके आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है। इस मामले में कर्नाटक प्रथम और उत्तराखंड यहाँ पर दूसरे स्थान पर है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, तीसरा प्रश्न है तानसेन की समाधि कहाँ पर है? ए ऑप्शन है यहाँ पर ग्वालियर, बी ऑप्शन है इंदौर, सी ऑप्शन है छतरपुर और डी ऑप्शन है यहाँ पर भोपाल। तो इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों ए ऑप्शन ग्वालियर। यहाँ पर तानसेन की समाधि ग्वालियर में है, इसे अकबर ने 1586 ईस्वी में यहाँ पर बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? ए ऑप्शन है ग्वालियर, बी ऑप्शन है भोपाल, सी ऑप्शन है इंदौर, डी ऑप्शन है जबलपुर। तो यहाँ पर चौथा ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर है बी भोपाल, यानी इंदिरा गांधी मानव राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है। यह मानव विकास पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न, कछवाहा राजपूतों की राजधानी सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ए ऑप्शन है मुरैना, बी ऑप्शन है श्योपुर, सी ऑप्शन है छतरपुर और डी ऑप्शन है भिंड। इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों ए ऑप्शन मुरैना। सिहोनिया कछवा राजपूतों की राजधानी थी, यह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। कछवा वंश की स्थापना 1115 से 1135 तक राज्य करने वाले राजा कृतिराज ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा छठवां प्रश्न, सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ए ऑप्शन है यहाँ पर मुरैना, बी ऑप्शन है ग्वालियर, सी ऑप्शन है इंदौर और डी ऑप्शन है यहाँ पर भोपाल। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन मुरैना इसका सही होने वाला है। यहाँ पर देखिए, सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है, इसे करौली के राजा गोपाल सिंह ने बनवाया था। सातवां प्रश्न देखते हैं यहाँ पर सातवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट कौन सा है? तो ए ऑप्शन है राजघाट, बी ऑप्शन है माता टीला, सी ऑप्शन है बनसागर और डी ऑप्शन है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन राजघाट इसका सही आंसर होने वाला है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट राजघाट है, जो बेतवा नदी पर है। यह मध्य प्रदेश में चंदेरी से 14 किलोमीटर दूर है। इसकी क्षमता 45 मेगावाट है। आठवां प्रश्न देखते हैं यहाँ पर आठवां प्रश्न है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है? तो ए ऑप्शन है मंदसौर, बी ऑप्शन है उज्जैन, सी ऑप्शन है रतलाम, डी ऑप्शन है विदिशा। इसमें ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा मंदसौर। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है, जबकि मंदसौर जिला उत्तर प्रदेश में है। मंदसौर जिला जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश के उत्तर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नौवें प्रश्न में, गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? ए ऑप्शन है बालाघाट, बी ऑप्शन है सिवनी, सी ऑप्शन है छिंदवाड़ा, डी ऑप्शन है यहाँ पर खंडवा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन छिंदवाड़ा होने वाला है। गोटमार जिला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में लगता है। दसवां ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध राजा कार्तवीर अर्जुन की राजधानी थी? तो ए ऑप्शन है महेश्वर, बी ऑप्शन है ग्वालियर, सी ऑप्शन है इंदौर और डी ऑप्शन है यहाँ पर उज्जैन। तो इसका
ए ऑप्शन सही होने वाला है महेश्वर। इसका जो सही आंसर है, महेश्वर शहर खरगोन जिले में, यह कभी कार्तवीर अर्जुन की राजधानी थी। इसे सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है। यह भगवान परशुराम से युद्ध करते हुए सेना सहित यहाँ पे मारा गया था। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।